और उस नाम से, कमाई से और परमात्मा की शक्ति से पार पार होंगे। आप ये मत समझना कि ये जीव अपनी भक्ति तो पार हो जाएगा, नहीं, इसमें कबीर परमेश्वर की मेहर रूपी एक ग्रेस मार्क आपको चाहिएंगे, और वो जो ग्रेस मार्क है वो बहुत ज्यादा है परमात्मा की। वो ग्रेस जो आपको देगा उससे पार होगे, नहीं तो पता नहीं कितने कितने साधकों के चले गए, दिन रात माला फेरनी। और तो आपने भजन तो करना है, क्योंकि मालिक को मालूम है कि तुम कितना भगत भजन कर सकते हो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि काल ने हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है, सारा दिन दो पैसे दो रोटी के लिए हमें चैन नहीं दिन रात। और इसमें भी जितना भी हमें समय मिलता है अपना कसक के साथ, चाहे एक घंटा, आध घंटा, दो घंटे, पांच मिनट, इतना ही हम वजन कर पाते हैं। परमात्मा ने पहले तो ऐसी विधि बता दी कि एक का सिमरन डूंडा ठा दे, इतनी कमाई सत्यनाम की, लेकिन उसकी होगी जो मर्यादा में रहेगा। बकवाद करनी है, दिन रात भजन करते रहना, उसको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर भी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, क्योंकि हम बहुत असंख्य जन्मों से काल के इस जहाज में, पृथ्वी रूपी जहाज में, ऊपर के स्वर्ग रूपी जहाज में और सवारी करते फिर रहे हैं। तो वो कर्जा परमात्मा फिर अपनी ग्रेस मार्क देकर के आपको ऊपर पास पार करेगा। तो हमने परमात्मा के दास गरीब मेहर से पाइए, इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। आपने भजन भी करना है। देखो जो बालक पास होने योग्य होता है और कुछ रह जाता है कुछ ही मार्कों से, तो उसको ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। जो लग के कुछ ना आवे और उसका माइनस जीरो आ रहे हो, तो उसने क्या ग्रेस देगा फिर? तो ऐसे आप भक्ति कीजिए, अब क्या नहीं रहोगे यहाँ पर, ये गारंटी देता हूं, पर मर्यादा मत तोड़ना। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।